नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात देश में चल रहे आंदोलनों और कांग्रेस की। मुद्दा नागरिकता कानून का हो, एनआरसी का हो, एनपीआर का हो, निजीकरण या बेरोजगारी का हो, देश के हर हिस्से में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कांग्रेस इन आंदोलनों का समर्थन तो कर रही है, लेकिन ये समर्थन औपचारिक या सांकेतिक ज़्यादा है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की जैसी भागीदारी इन आंदोलनों में दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिख रही है। सवाल ये है, कांग्रेस देश में चल रहे जन आंदोलनों से दूर क्यों है, या क्यों लग रही है कि वो उनसे दूर है? अगले आधे घंटे हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा और कांग्रेस के नेता रामेश्वर निखरा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता मीम अफजल की राय। कांग्रेस पार्टी तो हर जन आंदोलन का के अंदर ना सिर्फ भाग लेती है बल्कि अमूमन उसको लीड करती है, और इसके अंदर भी लीड किया। अभी जो दिल्ली के अंदर हमने सरकार के ख़िलाफ़ इतना बड़ा मुजाहरा किया, वो तो ख़ास तौर पर इसीलिए था। इस जन आंदोलन जो आज चल रहा है हमारे स्टूडेंट्स का, उसी इशू को लेकर के, एनआरसी और सीएए और इन सब चीज़ों को लेकर के मुद्दा हमने रामलीला ग्राउंड में उठाया। उमाकांत जी, आपसे शुरू करते हैं। मीम अफजल कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त जन आंदोलन कांग्रेस ने लॉन्च किया है और मुजाहरा किया, वो रैली की रामलीला मैदान वगैरह में। जी, आपके विचार से क्या देश भर में फैले हुए नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन, छात्रों पर हो रही हिंसा बर्बरता के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की जो भी प्रतिक्रिया रही अभी तक, क्या वो संतोषजनक है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो भी हाल के लोकसभा चुनाव और उसके बाद उसके पीछे उसके पहले जो भी बीजेपी की रणनीति थी, हमने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी कम से कम दर्जनों बार बीजेपी की और संघ परिवार की ट्रैप में फंसी, और उस ट्रैप में फंसने का उससे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कम्युनलिज्म को बीजेपी ने राष्ट्रवाद का मुल्लमा चढ़ा के पुलवामा के बाद के घटनाक्रमों को वोट बटोरने की एक किस्म से मशीन के रूप में इस्तेमाल किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो भी रणनीति है, मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक दल को पर छोड़ दिया जाना चाहिए उसकी रणनीति क्या है, लेकिन हम चूंकि ऑब्जर्वर हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से, प्रतिक्रिया करने की जिम्मेदारी से दूर नहीं हट सकते। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी खास तौर पर एनआरसी को लेकर के, जेएनयू को लेकर के, जामिया को लेकर के, कांग्रेस पार्टी के लोग पीछे से सक्रिय हैं और फ्रंट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी फ्रंट में आए। क्योंकि मैंने जो भी प्रतिक्रियाएं अभी देखी कांग्रेस पार्टी करी, ये कम्युनिस्टों का, नक्सलियों का, अर्बन नक्सल कांग्रेस का आंदोलन है। मुझे लगता है कि ये सारा आंदोलन जो भी हो रहा है, ये पूरे देश में छात्रों को आगे करके कांग्रेस को लड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी चाहती यह है कि ये कांग्रेस राजनीतिक हो जाए ये पूरा। और उसके बाद कुछ महीनों बाद जहाँ जहाँ चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी कहेगी राष्ट्र एनआरसी इज राष्ट्रवाद, और उसको एक नए तरीके से पेश करके वो वोट की पॉलिटिक्स से इस्तेमाल कर रही है। मुझे लगता है कि जयप्रकाश नारायण जैसा आंदोलन जिसका कांग्रेस खुद शिकार हुई थी, कांग्रेस पार्टी को उस तरफ देखना चाहिए और अतीत से कुछ सबक लेकर के जन आंदोलनों को मोबिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, इसी में उसका भला है। ठीक है, विनोद शर्मा जी, आपके विचार से देश भर में जो ये आंदोलन चल रहे हैं, इसके विषय में कांग्रेस की सोच, हो सकता है बहुत साफ सोच हो, लेकिन क्या वो सर्वविदित है, जनता को मालूम है इनकी सोच क्या है? आज की हमारी डिस्कशन उसी तर्ज पर है जो हमारी डिस्कशन इसी मुद्दे पे आम आदमी पार्टी के लिए थी। और अंग्रेजी में भारत एक कहावत है, व्हाट्स सॉस फॉर द गूज इज सॉस फॉर द गैंडर। तो जो आम आदमी पार्टी पे अप्लाई करता है वही कांग्रेस पे अप्लाई करता है। हर पार्टी को, जैसा कि लेखड़ा साहब ने कहा, अपनी अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है और उसका नफा नुकसान का दायित्व भी उसी पर होता है। मेरी नज़र में बड़े अरसे के बाद, देखिए हम बीच में डिस्कशन किया करते थे आपस में कि क्या इस देश में आग बची है कोई, कि एक रेवोल्यूशन, कोई चेंज के लिए कोई बड़ी मुहिम चले इस देश में। और आज के दिन जो मुहिम चल रही है, जैसे कल मैंने कहा था, ये आम आदमी इंडिया गेस करप्शन की तर्ज पर चल रही है। तिरंगा झंडा, उस पर गांधी टोपी नहीं है लेकिन कभी कभी वो भी नज़र आ जाती है, और राष्ट्रगान, कल जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जो राष्ट्रगान गाया है, यही असली इंडिया है। नहीं, पार्टी की सोच क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनके, उन्होंने, प्रियंका गांधी गई उन लोगों के पास, शाहीन बाग में गई, प्रियंका गांधी
लखनऊ में गई, सदब जाफर के घर में गई, शाहीन बाग गई क्या प्रियंका? हाँ शाहीन बाग गई, वो वहाँ महिलाओं से मिलने गई, वहाँ से जे एन यू के छात्रों से मिलने गई, तो वो हर जगह जे एन यू नहीं गई, नहीं जे एन यू के अंदर नहीं गई, नहीं गई, लेकिन वहाँ छात्रों से मिली, तो एम्स में जाकर जो जख्मी हुए थे। तो मेरा ये मानना, और देखिए अजीब सी बात, देखिए सबसे बड़ी आयरनी क्या है कि ये काम तो मंत्रियों करना चाहिए भाई, ये बच्चे अपने हैं ना देश के, क्या पता क्यों अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो क्या हुआ, उनकी भी अपनी सोच होगी जिस कारण तो नहीं कर रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि एक हमको चर्चा इस पर भी कर लेनी चाहिए कि जो सरकार है जिसका दायित्व बनता है वो क्यों नहीं हाथ बढ़ा रही दोस्ती का आगे, वो क्यों नहीं उनको परसुएट कर रही कि आप हमारी बात सुनिए हम आपकी बात सुनेंगे। तो जब तक डायलॉग शुरू नहीं करे, सरकार का दायित्व होता है वार्तालाप शुरू। खैर हम सरकार की बात आज नहीं कर रहे, मैं पंकज जी आपसे पूछता हूँ, यदि कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड जो जिस ढंग से जिस परिप्रेक्ष्य जन आंदोलन को देखती है और उसकी सोच बिल्कुल साफ है, तो क्या कारण है शनिवार को CWC की अब मीटिंग हो रही है एक महीने बाद नागरिकता कानून पास होने के बाद कि अब हम डिसाइड करेंगे पार्टी की स्ट्रैटेजी NRC CAA और छात्र आंदोलनों पर क्या होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है ये धारणा ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी इस मसले में शुरू से साफ रही है, और आपने देखा कि रामलीला मैदान में इतनी बड़ी भारत बचाओ रैली की, और न सिर्फ रामलीला मैदान में की, विदेशों में हर देश की करीब करीब हर मुख्य देश की राजधानी में इस तरह का आंदोलन वहाँ के प्रवासी भारतीयों ने किया। कांग्रेस ने तो नहीं किया ना? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। अच्छा, बहुत जगह हुआ। फिर आपने देखा कि भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में एक बहुत बड़ी रैली निकली CAA के खिलाफ, वो तो सारे मुख्यमंत्रियों ने निकाली एक दिन के लिए, संविधान बचाओ रैली कांग्रेस के मुख्यमंत्री। तो ये धारणा कि कांग्रेस इस आंदोलन में भागीदारी नहीं कर रही है या इससे बच रही है, ये धारणा तो ठीक नहीं है। और प्रियंका जी हर जगह जा रही हैं, राहुल जी हर जगह जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि विनोद जी बता रहे थे कि आखिर अपने बच्चे हैं, और आपने कहा सरकार का अपना सोच होगा। आपको याद होगा कि 2005 में मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ JNU में काले झंडे उनको दिखाए गए, तो JNU का एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सक्रिय हुआ और उन्होंने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का कदम उठाया। तब मनमोहन सिंह जी ने खुद उस कार्रवाई को रोका, और उन्होंने उसके बाद अपने भाषण की शुरुआत की वोल्टेयर के उस कथन से कि मैं आपकी बात से भले सहमत न हूं, लेकिन आपकी बात कहने के अधिकार का मैं मरते दम तक उसकी रक्षा करूंगा। चलिए, तो आप इस सब तरह कह रहे हैं कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। अब कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामेश्वर निखरा जी। रामेश्वर निखरा जी, अखबारों में ये खबर आई कि कांग्रेस के अंदर सोच ये थी कि भाई ये आंदोलन जो चल रहे हैं जनता के आंदोलन है, स्पॉन्टेनियस है, स्वयंस्फूर्त आंदोलन है, इनको चलने देना चाहिए, इनका नेतृत्व तो जनता से ही उभरने दीजिए, छात्रों से ही उभरने दीजिए, कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन अलग चलाएगी। तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं है लेकिन 100 MP तो है उसके राज्यसभा और लोकसभा मिला के, तो पार्लियामेंट्री पार्टी के रूप में भी उसका दायित्व तो बनता है कि वो विपक्ष को एक करके कुछ आंदोलन तो करे। खाली सिंबॉलिक कर देना, एक रामलीला मैदान पे रैली कर दी 2 घंटे के लिए, प्रियंका चली गई इंडिया गेट पे, राजघाट पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए, 4 मिनट के लिए शाहीन बाग चले गए, लेकिन आपने अपना आंदोलन विपक्ष के साथ मिलकर क्यों नहीं लॉन्च किया अभी तक? देखिए एक बात सुन लीजिए आप जी, कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी है जो संविधान बचाने के लिए, भारत बचाने के लिए, अपने आज़ादी के मूल्यों की रक्षा के लिए लगातार लगी हुई है। आप मुझे बताइए कि रामलीला मैदान पर जो पार्टी ने भारत बचाओ रैली की, उसमें पूरे देश से लोग आए हुए थे और उन सबको निर्देश दिया गया था सब लोग अपने अपने यहाँ जा कर के रैली करें, तो वो रैलियाँ जिलों में चली, वो रैलियाँ ब्लाकों में चली, और उस ढंग से जितनी भी इंफॉर्मेशन हम जनता को दे सकते थे हमने उस बात को दी। और उसके बाद आप घर बैठ गए भाई की बात से, और वो सब रैली इसके बाद सब कांग्रेसी घर बैठ गए, कोई घर नहीं बैठे हैं। आपको भाई एक 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 बात बता रहा हूं आपसे, आप जरा सड़क पर निकल के देखें कि कांग्रेस पार्टी घर पर नहीं बैठी है। रोज दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, रोज उसके खिलाफ बोल रहे हैं, रोज दूसरे हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, रोज सिंधिया जी बोल रहे हैं, जमाने भर के हमारे सारे नेता बोल रहे हैं, इसके बाद भी आपको लगता है कि हम घर बैठे हुए हैं? आप क्या चाहते हैं?
कि जो वो चाह रहे हैं बीजेपी वाले के सारे मुद्दे को राजनीतिक करार कर दिया जाए, बात खत्म हो जाए। आप उस लाइन पे बात कर रहे हैं कि यार ये तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है। नहीं, मैं आपसे बीच में ना बोले, सुनिए ना, सुनिए रामेश्वर जी, सुनिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए, क्यों नहीं समझ रहे, सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टी है, आप सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, रामेश्वर जी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। अरे भाई आप सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल ही नहीं सुनेंगे तो, सवाल तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ विपक्षी पार्टी है यहाँ पार्लियामेंट में, आपको सारे विपक्षी दलों को मिला के क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी, जो आगे का कार्यक्रम निर्धारित करती, जो कहती कि हम लोग साथ हैं संविधान बचाने के लिए, संविधान बचाने का ठेका खाली आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता संविधान बचेगा। संविधान बचेगा जब जनता आपके साथ होगी, जब विपक्षी दल आपके साथ होंगे। मैं पूछ रहा हूँ अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए था, उस रोल में आपने क्या किया अभी तक, क्यों नहीं बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्यों नहीं बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी? अरे भाई कांग्रेस ने जो आह्वान किया उसकी वजह से तो जनता निकल के आ रही है। क्या बात कर रहे हैं, जनता तो पहले निकल आई थी, कांग्रेस पार्टी बाद में आई, रामलीला मैदान की रैली बाद में हुई, जनता का आंदोलन है, मैं कह रहा हूँ चलने दीजिए उसको, अच्छी समझ है आपकी, उसको नेतृत्व छीनने की कोशिश मत करें, लेकिन विपक्ष को तो एक करते हैं। मैं आपसे क्या, हम क्या कह रहे हैं आपसे, विपक्षी एकता की बात जब आएगी जब उसको भी एक करेंगे। आज हम अपनी जब आएगी कब आएगी, उसके लिए कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? सक्रिय है क्यों, क्यों ममता अभी क्यों, अभी क्यों अभी नहीं है, अभी अच्छा मौका है, अभी करिए ना, आप पार्टी सक्रिय नहीं है क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए इस समय कोशिश काफी कर रही है। आपके कहने से करेंगे क्या? कई अनौपचारिक बैठकें इस बीच हुई है, आपके कहने से जानकारी में, हम तो सवाल पूछेंगे आपसे, आप चलाइए अपने, जितनी अच्छी आपने चलाई उसी के कारण तो 45 सीट 60 सीट पे आप लोग अटके हुए। अगर आप लोग ही ठीक से चला रहे होते तो क्या नरेंद्र मोदी आज जीत के प्रधानमंत्री बने होते दो बार? तो ये मत बताइए कि आप पार्टी बहुत अच्छा चलाएंगे। मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप आराम से जवाब दीजिए। मैं आपकी पार्टी नहीं चलाना चाहता, मैं नहीं चलाना चाहता आपकी पार्टी, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे खाली कि विपक्षी पार्टी होने के नाते, सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते आपका दायित्व बनता था कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, विपक्ष को साथ लें। आप कह रहे जब जब करना होगा तब करेंगे, कब करेंगे, कौन सा मुहूर्त होगा वो? हाँ तो हम अपने जब मुहूर्त आएगा जब करेंगे। अब ठीक है, एक बात है, जब आप मुहूर्त का इंतजार करिए। रामेश्वर जी मैं बहुत धन्यवाद, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। अरे कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं उमाकांत जी? क्या मुहूर्त होना है जिसमें आपको सारी पार्लियामेंट्री पार्टी के जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको बुला के साथ में बिठाना है? एक दिन खबर वो बनेगी, दूसरे दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी अनाउंस करेंगे उस दिन खबर बनेगी, तीसरे चौथे दिन आप पूरा कार्यक्रम बताएंगे कि अगले 6 महीने में ये कार्यक्रम है वो खबर बनेगी, तो कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही है कांग्रेस पार्टी? सबसे पहले तो मैं नेखरा साहब जब सेवादल में थे तो मैं आज कम से कम ये उम्मीद कर रहा था कि कोई धारदार आवाज उनके मुंह से निकलेगी, लेकिन मैं ये ऐसे ऑब्जर्वर ही मानता हूँ, एज ए पत्रकार लंबे समय से कांग्रेस को कवर किया, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 1977 में जनता पार्टी के डिमोल्यूशन के बाद जिस तरह से रिवाइव हुई थी उसका इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये भूल रही है कि ये 1980 नहीं है, ये 2020 है, और 40 साल में गंगा और यमुना नदी और रेवती, आपकी जो रीवा नदी, सारी नदियों में इतना पानी बह चुका है, जितने जन अभी 6 साल पहले एक जन आंदोलन हुआ उसका फायदा बीजेपी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उस सिविल मूवमेंट से, उस जनता के आंदोलन से कोई सबक अभी तक ऐसा लगता है कि सीखा नहीं है, और अपनी कमियों को सुधारने, संवारने, आत्मसात करने, आत्मविवेचना करने, आत्मपरीक्षण करने, आत्मनिरीक्षण करने का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर बहस मास मोबिलाइजेशन की नहीं हो रही है। आज हालात ये है कि छात्रों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है, आज जो है एनआरसी पर अल्पसंख्यकों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। ये आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, ये कांग्रेस पार्टी को मास मोबिलाइजेशन जब तक नहीं होगा, नहीं तो होगा क्या कि राष्ट्रवाद होता रहेगा इस देश में, राष्ट्रवाद के नाम सांप्रदायिकता होती रहेगी, हिंदू मुसलमान होगा, पोलराइजेशन होगा, और जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा वो एंटी नेशनल होगा, और जो पत्रकार हम जैसे बोलेंगे हमको कहेंगे आप एजेंट हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि इस सारी स्थिति को संवारने के लिए कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसका संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी है। आज हालत ये कि कांग्रेस पार्टी के नेता सोच रहे हैं, उनको ये मुगालता है कि जिस दिन लोग इनसे नाराज हो जाएंगे इनकी मजबूरी है हमें वोट डालना, इस मिथक से कब निकलेंगे आप लोग बाहर? विनोद,
ये बताइए कि अभी तक अपोजिशन ने जो यूनाइटेड काम किया एक ही किया, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सब लोग राष्ट्रपति कोविंद के पास गए, उनकी चिट्ठी दे के आए कि आप राष्ट्रपति जी इंटरवीन करिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए और ये इस नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने के लिए सरकार को कहिए। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी औपचारिकता पूर्ण करने के बजाय कोई कॉन्क्रीट कार्यक्रम ऑपोजिशन का क्यों नहीं बन पा रहा है? मेरी बात सुनो प्लीज। सुन तो रहा हूँ यार। ऐसा है कि बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस आगे बढ़े और इस एजिटेशन का पेटेंट छीन ले। मैंने नहीं कहा ये। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अपना आंदोलन चलाइए और विपक्ष का आंदोलन भी चलाइए। जब ये आंदोलन आप सुनिए, आपने कभी सोचा था कि जेएनयू के पक्ष में जिसको इतना बदनाम कर दिया गया था कि सारे स्टूडेंट समस्त भारत में खड़े हो जाएंगे वो तस्वीरें वो नज़ारे देखने के बाद? क्या आपने कभी सोचा था कि हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन्स कॉलेज एक ही मुद्दे पे एक ही पेज पे होंगे 30 बरस के बाद? कांग्रेस से क्या लेना देना? सुनिए, ये सेल्फ प्रोपेल्ड मूवमेंट है, इसको वैसे ही रहना चाहिए। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ के इसका नेतृत्व हासिल करने की कोशिश करेगी या कोई पैरेलल मूवमेंट चलाएगी, इस मूवमेंट का कहीं नामो निशान तक नहीं रहेगा। आप समझ नहीं, देखिए आज के दिन जो केमिस्ट्री बनी हुई है। आप ये, मैंने कहा पैरेलल मूवमेंट चलाइए, आज के आप चलाइए, स्टूडेंट मूवमेंट चलने दीजिए, आप अपना मूवमेंट चलाइए, बाद में कोऑर्डिनेट करिए उनके साथ। सुनिए, आप मास मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना जी। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई सेल्फ प्रोपेल्ड मूवमेंट चल रही है और उस मोमेंट में अगर आपके किसी एक्शन से गतिरोध हो सकता है तो आप क्यों करेंगे? अब उनका अपना अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि अगर वो स्वयं से कुछ बड़े स्तर पे करेंगे तो इस मूवमेंट में गतिरोध हो सकता है या बदनाम हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी और जो प्रतिद्वंदी है इस मूवमेंट का वो बहुत स्ट्रांग है, उसके पास एक नेटवर्क है, जो नेटवर्क आज के दिन स्टूडेंट ने अपने स्तर पर खड़ा कर लिया है वैसे ही नेटवर्क। और ये जो मोदी जी जब 2019 में दोबारा जीते थे और 2014 में भी जब जीते थे तो हम जगह जगह जाते थे, भारत आप भी जाते थे, और हम जवान लोगों से पूछते थे कि भई आप इनके पीछे क्यों मदमस्त होकर लगे हुए हैं, तो वो कहते थे कि नौकरी दिलवाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो सिर्फ CAA के खिलाफ नहीं है, ये जो कैंपस पर वायलेंस हुई है उसके खिलाफ नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल के उभर के सामने आ रही हैं जिससे कि जनता का रोष प्रकट हो रहा है या हमारे युवाओं के जरिए। ठीक है, और जब युवा और जब युवा दोबारा आता हूँ, मेरे को ब्रेक लेनी है इस समय। हाँ। अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे, विनोद शर्मा से भी बात करेंगे और अपने अन्य अतिथियों से भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-26072। चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। पंकज जी, आपने विनोद शर्मा को सुना, वो कह रहे हैं कि ये स्वयंस्फूर्त आंदोलन है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को किसी को नेतृत्व नहीं लेना चाहिए। मैं भी नहीं कह रहा हूँ नेतृत्व लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। चलो मान लेते कुछ भी नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान होता है। तो अगर नुकसान होता है देश भर में तो बंगाल में फ़ायदा कैसे होता है? वहाँ पे ममता बनर्जी लगातार, उन्होंने एक हफ्ते तक रैली निकाली, अभी भी कोने कोने में जाके वो रैलीज निकाल रही हैं, उनको तो नुकसान होता नजर नहीं आता है। वहाँ के विद्यार्थी तो नहीं कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन का नेतृत्व ममता बनर्जी ने ले लिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी के लोग लड़के अपना ही आंदोलन चला रहे हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चला रहे हैं, विश्व भारती के चला रहे हैं, रविंद्र भारती के चला रहे हैं। तो बाकी जगह कांग्रेस के लिए ये आर्ग्यूमेंट कैसे लागू होता है कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो लोगों का नेतृत्व ले लेंगे? वेस्ट बंगाल में नहीं छिन रहा तो पूरे भारत में क्यों छिनेगा? मैं इस बात से भी असहमत हूं कि कांग्रेस अगर इसमें कोई बहुत सक्रिय भूमिका निभाएगी तो ये नेतृत्व लेने की बात है। अरे कांग्रेस का तो जन्म ही आंदोलन से हुआ है,
और आंदोलन हमेशा होता ही स्वतः स्फूर्त है। आंदोलन पैदा नहीं करना पड़ता, आंदोलन जगाना नहीं पड़ता, आंदोलन अपने आप जागता है। जगाना पड़ता है हुड़दंग, हुड़दंग से जन्म हुआ है जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने हुड़दंग करके इस देश पर कब्जा किया है। आज ये सोचना कि आंदोलन से जन्मी एक पार्टी कांग्रेस अगर सक्रिय होती है तो वो नेतृत्व लेने की कोशिश करेगी, ऐसा नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में भी देश अपने आप जागकर खड़ा हुआ था और महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को एक दिशा दी। अब एक समय आएगा जब बहुत से राजनीतिक दल विपक्ष के मिलकर आज का जो ये आंदोलन है उसको एक दिशा देने का प्रयास करेंगे और वो दिशा देंगे। आज ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, बहुत अच्छी बात है। पूरा देश जागकर खड़ा हो गया है, इसलिए ये सोचने की बात नहीं है कि आगे चलकर इसका नेतृत्व कौन लेता है कौन नहीं लेता है। नेतृत्व जनता के हाथ में है, बाकी सारे प्रमुख विपक्षी दल मिलकर उसको एक दिशा देंगे। और मैं आपको बताता हूं कि इस बीच पर्दे के पीछे विपक्ष की एकता की रणनीतियां अलग अलग दलों में और सामूहिक तौर पर भी अनौपचारिक रूप से तय हुई हैं। अगले 2-4-5 दिन में इसकी औपचारिक शक्ल भी मेरे ख्याल से आपको देखने को मिलेगी। जी रामेश्वर जी, आपने पंकज की बात भी सुनी, विनोद शर्मा की भी सुनी, उमाकांत लखेड़ा जी की भी सुनी। आप ये बताइए कि कुछ खबरों के अनुसार कांग्रेस के नेता पार्टी के भीतर कह रहे हैं या अखबारों में खबरें आई हैं कि उन्हें कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बीजेपी के जाल में फंसकर इस आंदोलन का धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए। अब मुझे समझाइए कि अगर कांग्रेस आंदोलन करती है पार्टी के लेवल पे, अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त करती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करती है इस आंदोलन के थ्रू, इससे ध्रुवीकरण कैसे होगा? क्योंकि कांग्रेस कोई मुसलमान परस्त पार्टी तो है नहीं, तो सब 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 लोग आएंगे उसमें। तो ये रक्षात्मक तरीके से आप लोग क्यों खेल रहे हैं, ये सवाल है। डिफेंसिव खेल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बीजेपी के जाल में फंस जाए, उनका ट्रैप है उससे दूर रहिए। अरे इतनी बड़ी बात हो रही है देश में, पूरा देश बदल रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी तो कौन सी पार्टी बढ़ेगी? मेरे भाई भारत भूषण जी, जी आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जी मेरे जो आप मुझे बताइए जो 6 साल पहले आंदोलन की बात उमाशंकर जी ने की है, उसमें क्या बीजेपी सामने आई थी? आडवाणी सामने आए थे? क्या नरेंद्र मोदी सामने आए थे? क्या कोई और पार्टी, कोई और लोग सामने आए थे? ये छद्म लोग हैं, ये छद्म तरीके से रह करके अटैक करते हैं। तो अगर हम लोग छद्म नहीं हैं, हम लोगों का दोहरा चरित्र नहीं है, तो हम क्यों मतलब उनके ट्रैक में फंसे? एक बात। दूसरी बात जो है ना भाई, मैं विनोद शर्मा जी ने जो कही है और पंकज भाई ने कही है, मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूँ कि ये अपने निश्चित रूप से कांग्रेस अपने ढंग का रोल कर रही है, पूरे प्रदेश में कर रही है, पूरे देश में कर रही है, अपने अपने तरीके से सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। तीसरी बात जो अखबारों की बात आप कह रहे हैं, अखबार कुछ भी लिखते रहे, आज अखबार और मीडिया क्या कर रहा है? आप तो हमारी बात हमसे आज इंटरव्यू ले रहे हैं, हमसे हमारी बात सुन रहे हैं, कोई और आता है कि हम लोगों की बात सुनाने के लिए? अगर हम बोलते भी हैं तब भी वो नहीं बोलते हैं, हमारे आंदोलनों को नहीं दिखलाते हैं। आज बताइए पूरे देश में करीब 60,000 जगह आंदोलन हो चुके हैं, कौन सा मीडिया दिखला रहा है आप लोगों, कुछ लोगों को छोड़ करके? तो ये सारा का सारा अपने ढंग सा को जो मैनेजमेंट का खेल चल रहा है उसको हम लोगों की समझ में भी आ रहा है और देश की समझ में भी धीरे धीरे आ रहा है। निश्चित रूप से आप मान के चलिए ये हमारी नीति, हमारे सिद्धांत, हमारी विचारधारा वो सबके खिलाफ है, जो आज़ादी की लड़ाई से जो मूल्य पैदा हुए थे उन मूल्यों के खिलाफ है, जो महात्मा गांधी के विचार थे वो सबके खिलाफ है। ठीक है, सारे के सारे लोग आंदोलित हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आज भी मैं सेवा दल के शिविर में गया था, भोपाल के अंदर आयोजित है, वहाँ भी मैंने देखा दिन भर इसी संबंध में बातचीत चलती रही। वर्कर्स को तैयार किया जा रहा है, वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है, वर्कर्स को बताया जा रहा है और वर्कर खुद भी समझ रहा है। ठीक है, ये लड़ाई जो है ना, जो गुस्सा जो है, आक्रोश जो है ना, जो देश के 6 साल तक लगातार झूठ बोला गया है, लगातार इसको राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ाया गया है, ना उनको नौकरी मिली है, आप बताइए देश के सारे संस्थानों को बेचा जा रहा है? ठीक है, और जो उसके कर्मचारी हैं आपकी बात समझ में आई रामेश्वर जी, आगे चलते हैं। स्वमेव गुस्सा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपकी बात समझ ली उमाकांत जी, ये बताइए, चलिए ये वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ विपक्षी एकता होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतना हिंसा हुई, लोग भूल गए जामिया के सामने और जेएनयू के सामने वहाँ की हिंसा को, वहाँ पे कम से कम एक विपक्षी एमपीज का एक दल जा सकता था। जहाँ अकेले जा रही हैं प्रियंका, कभी यहाँ से पुलिस से बच के, वहाँ से पुलिस से बच के, अगर
एक अपोजिशन का फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाता, हिम्मत होती किसी की रोकने की? क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? इसका इनिशिएटिव कौन लेगा? कम्युनिस्ट पार्टी लेगी तो कोई आएगा नहीं, कांग्रेस लेगी तो लोग आएंगे, पर लेकिन कांग्रेस ऐसा करती हुई नज़र क्यों नहीं आ रही है? क्या इस बात से डरती है कि ऐसे इलाकों में गई जैसे कि AMU हुआ या जामिया हुआ या शाहीन बाग हुआ, ज़्यादा वहाँ गए तो लोग कहेंगे अरे ये तो मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टी है, ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी है, तो बहुत अच्छी बात है, अकेले मत जाइए ना, औरों को साथ लेके जाइए, तब तो नहीं बोल पाएगा कोई भी। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो भी बीजेपी की मौजूदा ये जो बीजेपी का मौजूदा तंत्र है ये बहुत शक्तिशाली है, ये पूरा बीमार पूरी जनरेशन को बीमार बना रहा है और उनको पंगु बना रहा है, उनको वैचारिक रूप से और हर तरह से उसको पंगु बना रहा है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, मैं ये मानता हूँ कि मौजूदा जो राजनीति है और जो इनका रोड मैप है मौजूदा देश में जो सरकार सत्ता में है, उसका रोड मैप ये है कि विचार से शून्य कर दिया जाए इस देश को और मुद्दों से शून्य कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी की राजनीति होनी चाहिए कि मौजूदा हालात में जो युवा हैं वो उनको वो गाइड करें, उसमें मोबिलाइजेशन करवाएं, अपने लेवल पे मोबिलाइजेशन कराएं, अपने वर्कर लेके ना ले और विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी कराएं और लीडरशिप को दे उसको कि विपक्षी पार्टियों को लीडरशिप देने में कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे हट रही है। गोलबंदी कराने के प्रयास होते हैं तो वाम दल साथ आते हैं तो ममता बनर्जी छटकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि देखिए ये भी तो एक बड़ा संवेदनशील मसला है, क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ी भूमिका है, जैसे ममता बनर्जी है, चंद्रबाबू नायडू है, लेफ्ट पार्टीज है, इन क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका है, इन भूमिकाओं को कांग्रेस पार्टी को अपना मुद्दों पर और विचार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ विनोद जी, कांग्रेस पार्टी ने कुछ स्पोरैडिक इवेंट्स किए हैं, इक्के दुक्के किए हैं, एक कुछ बड़े भी होंगे, बाकी सब छुटपुट काम किए हैं, प्रतीकात्मक काम किए हैं। लोगों का कहना है कि आज कांग्रेस की राजनीति ट्विटर पे चल रही है, कुछ भी होता है ट्विटर पे आ जाता है। JNU कोई नहीं गया वहाँ पे, डर गए कि पिछली बार राहुल गए थे तो उसी तरीके इनके वो लताड़े जाएंगे बीजेपी से, तो ट्विटर पे लिख दिया कि फैशिस्ट हैं, या किसी ने लिख दिया कि बिल्कुल जर्मनी की तरह क्रिस्टल नाक्स नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास जैसे फैशिस्टों के तरीके से किया, सब ट्विटर पे। क्या ट्विटर पे चलेगी कांग्रेस पार्टी कि उसको कुछ और भी करना पड़ेगा साथ साथ? सवाल आपका प्रोवोकेटिव है लेकिन जवाब मैं संजीदा दूंगा। देखिए ऐसा है, आपने नोटिस किया उद्धव ठाकरे का व्यक्तित्व परिवर्तन किया ना आपने, किसके सानिध्य में हो रहा है? वक्तव्य परिवर्तन देखा मैंने, व्यक्तित्व परिवर्तन, मैं तो वक्तव्य कह रहा हूँ, अब क्या मालूम उनका व्यक्तित्व परिवर्तन। देखिए सावरकर पे हो गया उनका पर्सनालिटी चेंज, नहीं हुआ। सुनिए अभी जो लड़की जो कश्मीर के फ्रीडम का प्लैकर्ड लेके खड़ी थी, बहुत अच्छा बोल रहे उद्धव ठाकरे, उस पे मैं बहस नहीं कर रहा, मेरी बात कुछ और, आपको समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, बताइए, और वो शायद आपकी लाइन को सूट नहीं कर रहा है। मेरी कोई लाइन नहीं है, लेकिन आप बताइए। हाँ, जो मतलब डिस्कशन लाइन आपकी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बाहर रहना चाहिए, ये आपकी लाइन है? मेरी लाइन नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत परसेप्शन है आपका, क्योंकि मैं चाहता हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारी जनरेशन का जवाब दीजिए ट्विटर, हमारी मैं चाहता हूँ कि हमारी जनरेशन एक सक्सेसफुल हो, और इसलिए मैं ये बयान दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सानिध्य में जो परिवर्तन हो रहा है शिवसेना में, वो बहुत बड़ी बात है भारत, क्योंकि ये दरार आ गई हिंदुत्व के फ्रंट में, जो 80 के दशक में अडवाणी जी ने बनाया था। क्या लेना देना है? अरे लेना देना तो है, जब तक आप नुआंसेस नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिग पिक्चर नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, समय हो गया समाप्त, ट्विटर पर राजनीति मेरे ख्याल से नहीं चल सकती है और ट्विटर से किसी का व्यक्तित्व परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।